आज एक बड़ी बैठक हुई है, प्रवेश भी लिए हैं बहुत सारे लोगों ने। आज भारतीय जनता पार्टी के सातों मोर्चा का संयुक्त बैठक है और इस बैठक में हमारे क्षेत्रीय क्यों डाले श्री अजय जामवाल जी, हमारे प्रदेश के असोसिएट अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे डिप्टी सीएम साहब अरुण साहु जी और सभी मोर्चों के प्रभारी और अध्यक्षगण और पूरे प्रदेश से सातों मोर्चा के कार्यकर्ता भारी संख्या में आए हुए हैं। और ऐसे अवसर में आज बहुत लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं, जिसमें बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, दो तीन और जिला पंचायत के सदस्य हैं, मंतूराम पवार जो पूर्व विधायक हैं वो भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और ऐसे बहुत से लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। कांग्रेस आज डूबती हुई जहाज है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे करके जनता से दूर जा चुकी है और इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो भी राष्ट्र हित में, छत्तीसगढ़ के हित में भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। कल सभी प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक हुई थी, आज सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक है। ये सारी बैठकें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखकर की जा रही है। आज जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की दशा और दिशा बदली है, पिछले 2.5 महीने में विष्णुदेव साय की सरकार ने मोदी की गारंटी पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ किया है। इन सब कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक मतदान केंद्र तक जा रहे हैं और 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए आज संयुक्त मोर्चा की बैठक में रणनीति बनेगी।